नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अविनाश क्लासेज में आपको दिखाया जा रहा है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इस वीडियो को आप देखिए, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सारे छात्रों के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, कंपटीशन दे रहे हैं मेडिकल का, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का कौन कौन सा स्टेप्स है, थोड़ा केमिकल रिएक्शन है उसको जानने की कोशिश कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर डालें, उसका मैं सलूशन बताऊंगा। और आप इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक लाइक करेंगे, उतना हमें अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, ये जरूर याद रखिए, पार्ट वन वीडियो जो इसका पार्ट वन है उसको जरूर देखें। उसको जो नहीं देखेगा उसको ये समझ में थोड़ा ढंग से नहीं आएगा, इसलिए पार्ट वन का लिंक है, सब्सक्राइब कीजिए, उसके नीचे जाइए, लिंक दिया हुआ है, लिंक लेके पार्ट वन वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो ये आपको कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड देगा। इसलिए सारे लोगों को धन्यवाद, मैं अपने स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए। अभी तक मेरे पास नियर अबाउट 75 सब्सक्राइबर हो गए हैं बहुत ही कम समय में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसको देख के कमेंट जरूर डालिए, वीडियो पसंद आया तो कमेंट डालिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट डालिए। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कल हमने बताया था कि ये प्रोसेस हमारे शरीर में किस तरह से होता है, आज मैं इसका जो स्टेप्स है वो बताऊंगा। हमारा शरीर जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल, फैट के मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करता है। फैट 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज one molecule of glucose gives 32 molecule of ATP, whereas fat जो है, one molecule of fat, मान लीजिए fat हम यहां पर palmitic acid लेते हैं, वो हमें देगा ये 16 कार्बन फैटी एसिड है, 16 कार्बन फैटी एसिड हमें देगा 160 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। कहने का मतलब यह है कि फैट के थ्रू हमें अधिक एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है जो कंपेयर टू ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। अब हम ये भी जानेंगे कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फैटी एसिड, जिस तरह का फैटी एसिड है उस तरह से हमको एटीपी मिलेगा। लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस मोर एटीपी, लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल मोर एटीपी, जबकि जो चेन अगर छोटा है तो एटीपी कम होगा। ये मिलता कैसे है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से होता क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। ये जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है इसको ये ब्रेक डाउन करेगा। अगर 16 कार्बन एटम है तो ब्रेक डाउन एक एक करके उसमें से एसिटाइल कोएंजाइम निकलता जाएगा और वो ब्रेक डाउन होता जाएगा, और उतनी बार ये बीटा अल्फा बीटा के बीच का कार्बन एटम ब्रेक डाउन होगा, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो निकलेगा ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या करेगा? वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और हमें क्या देगा? 2 एटीपी मॉलिक्यूल। और क्या देगा? 6 NADH मॉलिक्यूल।
जिसमें हर एक जो है ईच ऑफ विच फॉर्म 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और 2 FADH2 मॉलिक्यूल ईच विल गिव 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ये हमारा टोटल स्टोरी है। अब हमको जानना है उसके स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन सा स्टेप है। यहां मैंने बता दिया बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ये लॉन्ग चेन ऑफ स्टाइल को जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है वो बारी बारी से टूट टूट के एक एक स्टाइल को एंजाइम देगा और हर एक स्टाइल को एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, 2 ATP 6 NADH मॉलिक्यूल 2 FADH2 और ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी प्राप्त कर एनर्जी देगा। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी। अब हमको सिर्फ स्टेप के बारे में जान लेना है कि वो कौन कौन सा स्टेप है, वो कौन कौन सा रिएक्शन है, तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। फैटी एसिड में पहला स्टेप है ये एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है। ये एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या करेगा, इस एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है एकाइल कोएंजाइम है ये FADH से FADH2 कन्वर्ट होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा अल्फा और बीटा कार्बन एटम से, यहां से भी और बीटा कार्बन से ये FADH, यहां से एक हाइड्रोजन एटम यहां से एक हाइड्रोजन एटम दोनों से ये रिमूव करेगा और FADH कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में और हमारा कंपाउंड ये होगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ये काम किसका है, ये काम है एकाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज का। उसी तरह स्टेप टू में अगर हम आते हैं, स्टेप टू में तो यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, इसका नाम है इनाइल को एंजाइम डिहाइड्रेटेज। ये क्या करेगा, ये हमारे यहां जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी एडेड। तो यहां क्या हो जाएगा, CH के साथ OH अटैच हो जाएगा और इसके साथ अल्फा कार्बन एटम पर ये CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। OH वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से लिखते हैं, H प्लस H और OH, इसके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बना है, OH यहां लग जाएगा और H यहां लग जाएगा, ये हमारा अल्फा और ये बीटा कार्बन एटम है। मतलब कि वाटर इज एडेड द मॉलिक्यूल टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस सेकेंड स्टेप में वाटर एड हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, ये स्टेप थ्री में है, बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ये सबका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या करता है, यहां से हमें कंपाउंड उठाएंगे, इसके साथ रिएक्शन होगा CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड SCO, ठीक है। यहां से NADA आएगा और वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां का क्या बचेगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA। देखिए यहां, देखिए यहां C डबल बॉन्ड क्रिएट किया, यहां से NAD ये H को हटा लेगा और यहां दो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड दो हो जाएगा। यहां गौर से देखिए, यहां से H NAD प्लस जो है ये H हटा के इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ये NADH हो जाएगा और हमारा ये C डबल बॉन्ड दो हो जाएगा इसमें। इसको आप गौर से देखिएगा, दैट मीन्स क्या हुआ, द हाइड्रोजन एटम्स एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम
रिमूव्ड फ्रॉम रिमूव्ड फॉर्मिंग फॉर्मिंग ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखिए थोड़ा केमिस्ट्री का चीज है ये, इसको ध्यान से समझिए। स्टेप 1, 2, 3 इसको ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा मैं जस्ट आपको बताता हूं। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 क्या है? एकाइल को इंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसी एकाइल कोएंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज ये क्या करेगा, देखिए ये किस तरह से मॉलिक्यूल को कट ऑफ कर देता है, गौर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ ये मॉलिक्यूल सेम उठा के यहां ला रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को ये RCH2 C double bond SCOA + CH2 C double bond SCOA, मतलब क्या है? द एसिटाइल को एंजाइम इज रिमूव्ड फ्रॉम फैटी एसिड फॉर्मिंग ए शॉर्टर फैटी एसिड। मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम यहां से रिमूव हुआ और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को शॉर्टर चेन ऑफ फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, और फिर जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके ये किस तरह से एटीपी देगा, किस तरह से क्या देगा, वो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल ऑल द कार्बन एटम्स द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल ऑल द कार्बन एटम्स हैव बीन कट ऑफ। जब तक सारा कार्बन एटम ब्रेक नहीं होगा, सबको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इसलिए सो ए 16 कार्बन फैटी एसिड विल रिपीट दिस प्रोसेस सेवन टाइम्स क्रिएटिंग 8 एसिटाइल को इंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब कहने का मतलब यह है कि ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड था वो 16 कार्बन एटम का था, उसको एक एक करके एसिटाइल को इंजाइम में, जो हमको एसिटाइल को इंजाइम ही चाहिए जो यहां है, में कन्वर्ट करने के लिए ये 16 कार्बन फैटी एसिड 7 बार ब्रेक होगा तो 8 एसिटाइल को इंजाइम देगा, और ये 8 एसिटाइल को इंजाइम विल गो टू द सिट्रिक एसिड साइकिल, वहां से वी विल गेट एनर्जी। एक और प्रोसेस है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां से एनर्जी मिलेगा। तो ये सारी बातें ये 4 स्टेप में मैंने कवर कर दिया, कल मैं बता चुका हूं, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसलिए साथ साथ लिख रहा हूं कि आप लोग भी इसको लिख लें, क्लासेस बंद हैं कोरोना वायरस के चलते, ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया मेरा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये चैप्टर टोटल कंप्लीट है। इसके बाद हम सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पे आएंगे या अगला जो भी चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे। उम्मीद है सारे लोग को सब कुछ समझ में आ गया। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि जिसको कुछ समझ में ना आया हो
वो कृपया रिपीट कर कर के बार बार इस वीडियो को देखें, तो उनको सब कुछ समझ में क्लियर आएगा। थोड़ा यहाँ रिएक्शंस हैं, उससे घबराए नहीं, ये बहुत आसान चीज है। ये सिर्फ फैटी एसिड लिखा हुआ है, फैटी एसिड को हमने लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को एसिटाइल को इंजाइम में तोड़ना मेरा मकसद है, जो कि हमको सिट्रिक एसिड साइकिल में डालना है। क्यों? क्योंकि हमको वहां से एनर्जी लेना है। जो चार स्टेप क्या है, अलग अलग इंजाइम उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, यहां 16 कार्बन आइटम लिए हैं, उसको ब्रेक करेगा। कितने बार ब्रेक करेगा? 7 टाइम। और कितना एसिटाइल को एंजाइम लेगा? देगा 8। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा था कि क्यों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अधिक एनर्जी एटीपी यहां मिलता है, उसका आंसर आपको यहां मिल गया। जितना लंबा चेन ऑफ फैटी एसिड होगा, उतना अधिक एसिटाइल को एंजाइम मिलेगा, और उतना अधिक एसिटाइल को एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करके उतना अधिक एटीपी देगा। और एटीपी इज नथिंग बट द हमारे शरीर के सेल में एटीपी क्या है, इट इज जस्ट लाइक इन्वर्टर, आपको हम बहुतों बार बता चुके हैं, जहां से एनर्जी जहां संचित होता है, वेयर द एनर्जी इज स्टोर्ड, एंड वेन एवर द सेल नीडेड दे यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। सो द एटीपी फॉर्मेशन डिनोट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज इन फैटी एसिड द मोर एटीपी इज फॉर्म्स, सो इट विल डेफिनेटली गिव्स मोर एनर्जी। यहां 2-3 सवाल का जवाब मिला, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड कैसे होता है, क्यों ये अधिक एटीपी देता है, क्यों ये अधिक एनर्जी देता है, और पहले भी हम पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं कि किस तरह से हमारे शरीर से फैटी एसिड टारगेटेड सेल तक जाता है, किस तरह वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन, जिसको हम एक तरह से मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज को तोड़ना, हाउ विल बी द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड विल हैपन, दिस इज द मेटाबॉलिज्म, इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो एनर्जी कैसे मिलता है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया सही कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, पर्सनली फोन करके पूछिए जिनके पास मेरा नंबर है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, स्टे होम सेफ सेफली बट स्टडी, यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी। थैंक यू, थैंक यू।